आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर एन टुडे न्यूज़। बीती शाम 7 बजे से गायब 7 वर्षीय युवती का शव स्कॉट डॉग के निशानदेही से बाईपास मुस्लिम फंड स्कूल के पीछे नाले में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस व बालिका के परिजन सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की जैसे जैसे लोगों को पता चला, सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। मालूम हो कि बीती शाम करीब 7 बजे से मोहल्ला छापे ग्रान निवासी तहसीन की पुत्री अल शिफा घर से गायब हो गई थी, जिसको रात भर तलाश किया किंतु कोई पता न चल सका, जिसकी गुमशुदगी की सूचना नहटौर थाने में दी गई। आज दोपहर स्कॉट डॉग की मदद ली गई, जिसकी निशानदेही पर नाले में पड़ी मिली। परिवार वालों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। वहीं SP बिजनौर भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में लगे हुए हैं। देखते रहिए आरएन टुडे न्यूज। आज दोपहर को नेटौर थाने पे नेटौर कस्बे के रहने वाले एक पिता ने सूचना दी थी कि उनकी 7 वर्षीय बच्ची कल शाम को लगभग 7 बजे से मिसिंग है। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और बच्ची को ढूंढने के लिए मल्टीपल टीमें लगाई गई। सर्च ऑपरेशन विस्तृत एरिया में चलाया गया। हमारे डॉग स्क्वाड ने आज शाम को इस बच्ची की डेड बॉडी को नाले और डंपिंग ग्राउंड के बीच में ढूंढ निकाला है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया है। परिजनों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। परिजनों की सहमति से डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। इस घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। थैंक यू।